सभी कोटेदार भाइयों को नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, चुनाव का समय है और वोट डालने वाला वक्त भी है। कहीं कहीं वोट तो पड़ चुका होगा और कहीं कहीं वोट तो बाकी होगा। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में और इस वीडियो बनाने का बहुत मस्त मतलब है, इसे आप लोग पूरा सुनिएगा। और जो भाई लोग वीडियो पर नए हो, लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल है और इस चैनल पर आपकी वीडियो ही अपलोड होती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कि हम इस वीडियो में किस मंशा से इस वीडियो को बनाए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हम लोगों को अगर वोट डालने जाना है तो उस चीज़ को याद में ध्यान में रख के वोट डालना है कि हम लोग पूरी दिसंबर से लेकर पूरी जनवरी तक ठंडी में परेशान हुए थे अपने मानदेय और अपने हक के लड़ने के लिए, लेकिन उसका कुछ रिस्पांस नहीं आया। हमने तमाम मंत्री, हमारे तमाम सरकार के आला अधिकारियों को हमने अपने ज्ञापन को सौंपा कि हमारे 30,000 मानदेय को सरकार सुनिश्चित करे, उसका भी कोई निष्कर्ष और उसका कोई भी हल निकल के नहीं आया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग वोट डालने जाइएगा तो ये सब ध्यान में रख कर जाइएगा कि कौन सरकार हमारी मदद कर सकती है और कौन सरकार हमारी मदद नहीं कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं हम। कोई भी कोटेदार और कोई भी एसोसिएशन का लोग किसी भी ना किसी पार्टी का समर्थक तो होगा, लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से यहाँ वोट की अपील नहीं कर रहा हूँ कि किस सब प्रत्याशी को आपको वोट करना है। बस आप लोगों से यही कहना है कि आप उस प्रत्याशी को वोट करें जिससे आपका भला कर सके, आपके मानदेय और आपके हक के लड़ाई में आपका साथ दे। और दोस्तों, अभी भी वक्त है, अगर कोई भी प्रत्याशी आप लोगों के पास वोट मांगने के लिए आता है तो आप सिंपल सा उसको 8 सूत्री मांगों को सौंपा दें कि ले भैया, आप भी ये याद रखिएगा कि हम लोगों की भी ज़रूरत है, हम लोगों के बाल बच्चे हैं, हम लोगों को अच्छा शिक्षा दीक्षा चाहिए, इसके लिए हम लोगों को 30,000 रुपये मानदेय आप लोग सुनिश्चित कराएँ, तब हम वोट के लिए सोचेंगे। इतना दोस्तों करने का वक्त आ गया है, करना अपनी काम में। दोस्तों, सरकार बनती है, किसकी बनती है? कांग्रेस ने तो दोस्तों घोषणा भी कर दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पीडीएस डीलरों के लिए सोचेंगे, लेकिन और सरकारें दोस्तों, हम पीडीएस डीलरों के लिए कोई बातें नहीं सोच के रखी है और कोई नियम कानून बना करके नहीं रखी है। भाजपा की बात कर ली जाए दोस्तों, तो भाजपा ही सरकार में, नीतीश सरकार में दोस्तों, हम लोगों को बिहार और भाजपा सरकार में, हम लोगों में यूपी में कोई भी कोटेदार सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम लोग जो 30,000 रुपये की मानदेय कर रहे हैं उसको अभी तक कोई सरकार एग्रीमेंटल नहीं कर सकी है कि हम लोगों को मानदेय कब देगी। तो मेरा अंततः यही कहना है दोस्तों कि इस बार वोट डालने जाइएगा तो ये सब बातों को ध्यान में रख कर के जाइएगा कि हम लोगों का मान सम्मान, हम लोगों को हद अधिकार कौन सरकार दे सकती है, उसे को ऊपर फोकस करके उसी की सरकार बनाइएगा दोस्तों, ताकि हम लोगों का भी भला हो सके। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, हमें ज़रूर सुझाव दीजिएगा। और जो लोग वीडियो पर नए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका है, इसे आप लोगों को चलाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।